मैडम शायद आपके पैसे गिर गए हैं। पैसे? अरे नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं है, शायद किसी और के गिर गए होंगे, ये आप रखिए। अरे कोई नहीं मैडम, आपको मिले आप रखिए ना इनको। भैया मैं कैसे रख सकती हूँ, ये मेरे पैसे हैं ही नहीं, और वैसे भी जिसके पैसे गिरे होंगे वो कितना परेशान हो रहा होगा, और वो ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा, तो आप उसको वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। शिखा देखना इस लड़की ने इंटरव्यू के लिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? जी, और आप भी? हाँ, वैसे एक बात कहूँ आपसे, आपके कपड़े देखकर लग नहीं रहा है कि आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में भंडारा चल रहा है और आप भंडारा खाने आए हो। इफ यू डोंट माइंड, एक बात और कहूँ, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला, इससे पहले मैडम आपके कपड़े देखकर आपको बाहर निकाल दे, अपनी बेइज्जती मत करवाओ, अपने आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, देखिए अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैंने आप दोनों को अंदर बुलाया है, बैठने के लिए नहीं बोला। ओके मैम। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। श्योर मैम, पूछ सकती हूँ। तो बताइए, आप दोनों ने हमारी कंपनी को ही क्यों चुना अपनी जॉब के लिए? अरे मैम, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी कंपनी में काम ना करना चाहता होगा। और हाँ मैम, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं इस कंपनी को और भी आगे लेकर जाना चाहता हूँ। ओके, मैं शिखा, आपका क्या मानना है? मैम अगर आप मुझे सिलेक्ट करती हैं तो मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ और बहुत हार्ड वर्किंग भी हूँ। ओके, देखा मैंने आप दोनों का सीवी, काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी है आप दोनों की, पर एक चीज़ है जिसकी कमी है। मैम आप कौन सी कमी के बारे में बात कर रही हो? जो भी क्राइटेरिया है इस कंपनी के लिए, मेरे हिसाब से हम दोनों परफेक्ट हैं। कृष्ण, नव्या को अंदर भेजो। जी मैम, मैं अभी भेजता हूँ। मिस नव्या, आप भी अंदर जा सकते हैं। जी सर। मे आई कम इन मैम? यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इसकी सीवी में ऐसा क्या है जो हमारी सीवी में नहीं है? इसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी दोनों है, जो तुम दोनों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अब क्या कहना चाहती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि अभी लिफ्ट के बाहर क्या हुआ था याद तो होगा तुम दोनों को, वो पैसे। ये थे ताकि मैं तुम तीनों की ईमानदारी का टेस्ट ले सकूं, और उस टेस्ट में नव्या पास हुई है, और तुम दोनों माय रोल, निकलो यहां से, क्योंकि हमारी कंपनी बिना काम के सैलरी नहीं देती। ओके मैम।